हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मवीर शर्मा और आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके थ्रू कि आप अपनी फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। इसकी वीडियो के साथ आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो आप ये वेबसाइट बना के इसमें आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। इसमें आप किचन की रेसिपीज होगी, डिस्क्रिप्शंस होगी, या आईटी के रिलेटेड, या कोई जॉब वेबसाइट्स, आप स्टोरीज वेबसाइट आप बना सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहला जो स्टेप है कि हमने वेबसाइट कैसे बनानी है। सेकंड जो स्टेप है इसमें कि हमने इसमें थीम कस्टमाइज कैसे करनी है। तो थर्ड स्टेप है कि आप थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। आपने वीडियो को अंत तक इसे देखना है। अगर आप भी घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो, फ्री में वेबसाइट सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा आपने अंत तक देखना है। अगर आपको ये कस्टमाइज करना आता है वेबसाइट, फ्री में आप किसी से भी आप इसका चार्ज कर सकते हैं। 1000 रुपये से लेके 2000 3000 तक इसके चार्जेस होते हैं अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी आती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। आप अपनी जीमेल के साथ इसे एक्सेस करेंगे, जिस भी जीमेल अकाउंट के साथ आप अपनी इस वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप भी एक वीडियो बना के 3 प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सेकेंड विकल्प है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो साइन इन पे प्रेस कर लेना है। अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन करने के बाद साइन इन पे प्रेस करेंगे, देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस पे आपने क्या करना है, प्रोफाइल, ब्लॉगर प्रोफाइल पे प्रेस कर देना है। उसके बाद डिस्प्ले नेम क्या देना है, आपने जो भी ब्लॉग साइट बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे DS डिज़ाइन का नाम दे दिया है। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे आगे। सिंपल जो प्रोसेस मैं आपको साथ की साथ बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, एक नया ब्लॉग बनाना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं गूगल के एंड से। ये गूगल का फीचर है जिसमें हम ब्लॉग अपना ब्लॉगर बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की वेबसाइट इसमें बना सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो गया, एजुकेशन के रिलेटेड हो गया। आप किचन रेसिपीज़ आप डाल सकते हैं, आपको राइटिंग का शौक है, ब्लॉग लिखने का शौक है, देन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल दे रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो डिस्प्ले टाइटल इसका होगा वेबसाइट का, वो हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आएगा एड्रेस, URL, जैसे लिखते हैं हम www.google.com, ऐसे यहाँ पे हमारा आ जाएगा www.dsdesign.blogspot.com। ये हमारा एड्रेस हो गया वेबसाइट का, URL हो गया। तो उसके बाद तीसरी ऑप्शन होती है इसमें थीम। हमने जो हमारा कंटेंट है, हमारा कैसे हमने डिस्प्ले करना है, कौन से लेआउट में करना है, तो इसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट थीम्स तो गूगल के एंड से होती है, इसमें प्री डिफाइंड होती है। आप इसमें से किसी थीम को भी सिलेक्ट करके अपने हिसाब से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये थीम अच्छी लगती है, नहीं लगती है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे एक साइट तो हमने ये रेडी कर ली है। तो इसके हम इंटरफेस देखेंगे, तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं साथ के साथ। यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे प्रेस करेंगे जो अभी हमने बनाया है रिसेंटली, तो इस तरह का इसका एक लुक आ जाएगा। और जो सामने बैक एंड के बाद फ्रंट एंड होता है वेबसाइट का, ये फ्रंट एंड है, ये इसका बैक एंड है, जहाँ पे आप इस पे पोस्ट डाल सकते हो, कितनी ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे आप सारा देख सकते हो, ओवरव्यू, कितनी पोस्ट आपने की है पेजेस पे, कितनी पोस्ट आपने दिखानी है, ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है, ऑल वर्ल्ड से, तो आप सारा देख सकते हो। इसमें अर्निंग का सोर्स भी है, इसे भी आप मोनेटाइज कर सकते हो अपना। इसमें अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इस पे एक्सप्रेस करते हो, तो उसके थ्रू ट्रैफिक आती है, तो इसके थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हो, अर्निंग का सच अच्छा सोर्स है। तो अभी हमने क्या करना है, इस पे लेआउट है, यहाँ से आप सारी चेंजेस कर सकते हो। लेआउट से लोगो कैसे लगाना है, अपने मोबाइल व्यू आ गया इसका राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आ गया डेस्कटॉप व्यू, वेबसाइट कैसी दिखेगी, तो कैसा कंटेंट होगा। इसमें कुछ थीम्स होती है प्री डिफॉल्ट, जो बाई डिफॉल्ट इसमें से आप चूज कर सकते हो। इसमें टाइटल लिखा हुआ, डायनेमिक व्यू चाहिए,
पिक्चर्स विंडो चाहिए, ऑसम है ना, तो ये सारे टाइटल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद चेक करके अपने हिसाब से जो थीम आपको अच्छी लगती है इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैं साथ ही साथ अभी इस वीडियो में बताऊंगा कैसे थीम चेंज करनी है, कैसे लोगो चेंज करना है हमने। कोई भी अनदर थीम भी आपको इंटरनेट से अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करना। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपनी एक वेबसाइट बनाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाने में, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए मैंने थीम पे प्रेस किया, अप्लाई पे प्रेस किया, ओके किया, तो ऊपर मैसेज आ गया थीम सेव्ड। अब रिफ्रेश करके देखेंगे जो इसमें प्री डिफॉल्ट कुछ थीम्स होती है अवेलेबल होती है, तो इस तरह की थीम्स आ जाएगी। अभी इस पे कोई मैंने पोस्ट नहीं डाली जिसके कारण कंटेंट आ रहा है नो पोस्ट अवेलेबल। तो देन अभी क्या करेंगे, हम गूगल पे हम टाइप कर सकते हैं इसे ब्लॉगर फ्री थीम्स, तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगी, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिकली एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ से मुझे एक थीम अच्छी लगी थी, रिस्पॉन्सिव थीम, जो मोबाइल और डेस्कटॉप के रिलेटेड डायनामिक साइट है और उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज हो जाती है। देन इसे आप बाई भी कर सकते हो, इसके फुटर में जो क्रेडिट्स होते हैं वेबसाइट के रिमूव करने के लिए, तो आप बाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये कुछ राइट्स अपने पास रखते हैं और बाकी राइट्स आपको दे देते हैं जिसमें आप अपनी पोस्ट डाल सकते हो। इस तरह का लुक इसका दिखेगा थीम का, ये प्रीव्यू है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पहले जहाँ से डाउनलोड करना है ये सारा प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरह की आपकी वेबसाइट भी बनेगी। अब करेंगे हम इसे डाउनलोड पे प्रेस। हमने डाउनलोड पे प्रेस किया तो इसमें रार जिप फाइल है वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल को क्या करेंगे, हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हमने इस थीम को अपलोड कैसे करना है ये ध्यान से देखना वाला है। यहाँ पे आप स्किप मत कीजिए, यहाँ पे आपने देखना है इसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है जो डाउनलोड की है फाइल। उसके बाद इस फोल्डर में आपने देखना है XML फाइल्स, जो ब्लॉगर की फाइल्स होती है सिंगल पेज पे बनती है XML फाइल्स होती है। तो इसे दो तरीके से आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, एक तो ये सारा जो इसकी कोडिंग है उसे कॉपी करके एडिट थीम में करके उसे पेस्ट कर सकते हैं रिप्लेस करके, या सेकंड मेथड क्या है इजी, आप यहाँ से भी देखते हैं। एक तो इसे कंट्रोल ए करके कॉपी वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं थीम में, सेकंड क्या करेंगे हम इसे अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया फाइल, आपको दिखा दी है। अब हम जाएंगे थीम पे, थीम के बाद जाएंगे हम लेआउट पे। लेआउट पे अभी जो मैंने थीम ओल्ड थीम थी, अब इसकी जगह जो अभी डाउनलोड की है न्यू थीम कैसे अब चेंज करेंगे, अभी हम लेआउट पे प्रेस करेंगे, थीम पे सॉरी हमने प्रेस कर लिया। ऊपर राइट साइड टॉप के आपको दिखेगा बैकअप, बैकअप और रीस्टोर, यहाँ पे एडिट करके HTML में भी आप कॉपी पेस्ट करके इसे अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ से हम अपलोड करेंगे ब्राउज पे प्रेस किया। उसके बाद जो हमने फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे फोल्डर में प्रेस किया, यहाँ पे आपको मैंने बताया था XML फाइल्स ये लास्ट में आपको दिख रही है नोट पैड में है, उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगी अपलोड, अब इसे हम अपलोड कर देंगे, थोड़ा समय लगेगा। अपलोड होने के बाद ये थीम अब देखिए अपलोड हो चुकी है, जो बाहर से अभी डाउनलोड की थी उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आ गया, डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू। अब इसमें आपने क्या करना है, इसका लोगो आप चेंज कर सकते हैं, इसे कस्टमाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं DS डिज़ाइन पे मैंने ये अभी लगाई है, ये थीम चेंज हो चुकी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके बाद भी आपको कोई और थीम अच्छी लगती है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, बट अगर जब आप थीम चेंज कर रहे हैं उससे पहले जो भी पोस्ट होती है, आप ये चीज़ ध्यान में रखना, जो भी पोस्ट आप करते हैं, अगर मान लो आपने आज 10 पोस्ट कर दी है तो कल को आपको डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा या चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट जो पोस्ट की लेआउट इसके अकॉर्डिंग सेट होती है वो सारी चेंज हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी आप जब भी आपने कोई भी थीम एक सेट करने के बाद अच्छी लग रही है उसे आप सही कर लें, उसके बाद ही आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि जब भी आप फिर थीम चेंज करोगे जो भी पोस्टिंग की होती है उसका लेआउट सारा चेंज होता है, देन वो सारा ही आपको दोबारा से सेट करना पड़ता है। पोस्ट रहेगी, आपका कंटेंट अवेलेबल रहेगा, बट उसे डिस्प्ले के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अब आ गए हैं लेआउट में। इस थीम की जो सेटिंग्स हैं सारी इसमें आप देख सकते हैं। इसमें फेविगन चेंज कर सकते हैं जो टॉप पे आता है, जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर ऑरेंज कलर में ब्लॉगर बी लिखा हुआ है, ऐसे आप अपना भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगो चेंज कर देंगे, इसे रिमूव कर सकते हैं, इसे अपलोड भी कर सकते हैं, सीधा गैलरी से ले सकते हैं, या कहीं पे आपका लोगो अपलोडेड है वहाँ से उसका यूआरएल लेके भी इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ के अकॉर्डिंग लोगो आपने चेंज करना है, वो आपकी च्वाइस है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेटिव दे रहा हूँ कैसे आप चेंज कर सकते हैं। सारी चेंजेस है इसमें, स्टेप बाय स्टेप आप ये सारी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के कुछ आइकन्स हैं राइट साइड में, फुटर में हैं और मिडिल में हैं, ये सारे आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नहीं चाहिए रिमूव कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सारी सेटिंग्स इसमें होती है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अभी थीम को कैसे चेंज करना है वो आपने देखा, लोगो को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें सारी सेटिंग्स दी हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करके चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए कि इसमें ब्लॉग में पोस्ट कैसे करनी है, YouTube से सीधी डायरेक्ट वीडियो कैसे अपनी पोस्ट में कुछ कंटेंट टाइप करने के बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रैफिक यहाँ से YouTube में भी आपको मिले, तो सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल्स हैं। और उसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि यूट्यूब की डायरेक्ट वीडियो को ब्लॉग में कैसे हम ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू कि आपकी यूट्यूब की वीडियो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी और ट्रैफिक आएगी। तो यहाँ पे ये देखो जी, मैंने अभी एक साइट तो थीम चेंज करके दी है, अभी मैंने बेसिक अभी जो थीम है वो आपको चेंज कर दूंगा इससे पहले वाली, तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से थीम। जैसे अभी सेकंड यहाँ से मैं एक चेंज करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ आपने एक तो डाउनलोड करके कर लिया जो प्री डिफाइंड इसकी थीम्स है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस ऐसा रहेगा जो नेक्स्ट है, तो इसे अप्लाई करेंगे तो इसे अप्लाई कर देंगे थीम को, ये थीम चेंज हो गई है। अब आप रिफ्रेश करके देखेंगे जो अभी डाउनलोड करने के बाद अभी मैंने प्री डिफॉल्ट इसकी थीम है वो चेंज कर दी है। तो ये सारी सेटिंग्स को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सारी मैंने आपको जानकारी दी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट खुद की क्रिएट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा उसमें हम ब्लॉगर पे पोस्ट कैसे डालेंगे, कैसे हम मल्टीपल लैंग्वेज में हम टाइप कर सकते हैं, ब्लॉगर में पोस्ट कर सकते हैं, कैसे थंबनेल बनाना है, यूट्यूब की वीडियो को कैसे हमने अपनी ब्लॉगर पोस्ट में वीडियो को कैसे हमने अपलोड करना है, शो करना है, एम्बेड करना है, तो इसके लिए एक वीडियो तो बन चुकी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।